बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीलॉग के साथ। और आज का जो वीलॉग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं चाह रही हूँ अपने रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज करना, क्योंकि अब हफ्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस काम करने लगी। अब ये देखें, बेड सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है, इसकी दोनों साइड्स जो हैं ये कभी मतलब दिन के टाइम में भी खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इधर को नीचे उतर जाते हैं उधर को। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो सामने बेड है ना ये आ जाए इस साइड पे, तो मतलब एक साइड से ये दीवार के साथ होगा तो फिर उससे जो है ना वो सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि रात के टाइम में भी ऐसे करती है, मुझे पता नहीं होता। और ये आराम से माशाल्लाह से क्रॉलिंग करके तो नीचे, फिर वो बहुत डेंजरस हो गया। पहले जब छोटी थी तब तो मैं पिलो रख लेती थी साइड्स पर, लेकिन अब जो है वो पिलो को भी कोई जो है ना उससे भी गुजारा नहीं है, पिलो को भी फैलांग लेती है बहुत आसानी से। तो आज मतलब टोटल मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये माशाल्लाह से बेड इतना वज़नी है कि इसे मैं अकेली हिला नहीं सकती, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी और मैं खुद ही सारी की सारी जो है चीज़ें खींच के सारा आज खुद ही मैं अपनी हिम्मत जो है उसे मैं आजमाने लगी हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उफ़, ये बहुत ज़्यादा भारी है, ये बहुत पुराना बेड है हमारा, मेरी मदर इन लॉ का है तो बहुत ही ज़्यादा वज़नी है। अभी पता नहीं ये मेरे से बाहर निकलेगा या नहीं अकेली से, लेकिन हिम्मत जारी है। और ये मैंने इसे निकाल लिया बाहर। एक साइड तो क्लियर हो गई, और अब जो उससे भी ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला काम है वो इधर है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा काम मैं अकेली क्यों कर रही हूँ। जी, तो अकेली इसलिए कर रही हूँ, हस्बैंड भी हेल्प करवा सकते हैं इसमें, लेकिन इस टाइम वो घर नहीं है, तो मैंने सोचा चलो अकेली करती हूँ आज, ज़रा उन्हें भी पता चले मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अकेली जो हूँ वो चीज़ें ये इतनी वज़नी जो है वो आगे पीछे कर सकती हूँ इनकी हेल्प के बगैर। चीज़ें मैंने सारी इसके ऊपर से उठा ली, और अब ये मैट्रेस जो है ये भी बहुत ज़्यादा वज़नी है, ये असल में वो दूसरा स्प्रिंग वाला मैट्रेस है तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। उफ़, मैट्रेस मैंने उठा लिया बहुत वज़नी, और अब बेड को खींच रही हूँ, बस थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा हिला। और दूसरा मसला मुझे ये लग रहा है कि शायद पीछे से कारपेट जो है ना वो भी इसके साथ इकट्ठा हो रहा है। ज़रा मैं देखूँ पहले मैट्रेस को। और बिलाखर जो है शुक्र है मैंने बेड को लगा दिया इसकी जगह पे कोने में, और अब ये जो मैट्रेस को मैंने इसके ऊपर डालना है। मैट्रेस भी मैंने हिम्मत करके बेड के ऊपर रख दिया। अब मैं थोड़ा ज़रा बाहर की सिचुएशन का भी जायज़ा ले लूँ कि हफ्सा क्या कर रही है बाहर। हफ्सा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, ठहरो, आऊँ मैं। ओ ओ ओ ओ, नीचे गिर गया गिर गया गिर गया। ये दीवार सारी सामने से ख़राब है,
ये इसके नीचे कारपेट लगाया था तो ऊपर से फिर ख़राब हो गई हुई है। असल में यहाँ की ज़मीन ऐसी है जैसा मर्जी पेंट हो तो फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। मैं सोच रही इसके ऊपर मैं शीट लगवा लूँ इतने से एरिया में जहाँ जहाँ चाहिए ख़राब है। इसे भी मैंने सेट कर दिया बस, तो ये अपनी जगह पे आ गया और ये वाला आ गया अपनी जगह पे दोनों। हफ्सा को बस अभी ला के बिठाया, इसके कपड़े वगैरह चेंज कर गए। इतनी शरारती है, दूर से इसे पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ तो साथ ही ये दौड़ लगानी शुरू कर देती है। हाँ जी, तो रूम साफ़ करने के बाद ज़रा मौसम बहुत अच्छा हो गया था अचानक ही, तो पास से कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो चीज़ें लेने के लिए बाहर निकले और इतनी प्यारे मौसम में बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली तो अभी बाइट से भी हुआ, ये सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए। एक दफ़ा तो सारा कुछ सेट हो गया शुक्र है, और अभी नमाज का भी टाइम होने वाला है इशा की। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।